हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अन्नपूर्णा मंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ब्रेड की एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना भी काफ़ी आसान है और खाने में भी अच्छी लगती है। जब भी आपका मिठाई खाने का मन करे तो आप इस तरह से ब्रेड की मिठाई बनाकर खा सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने गैस पर एक पैन रखा है। पैन में हमने घी गरम किया हुआ है, उसमें हम ये ब्रेड डाल देंगे और उनको तलेंगे। इस तरह से एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाएगा। इसी तरह से हम अपनी बाकी की ब्रेड को भी तल लेंगे। आप चाहे तो ब्रेड को ऐसे भी पीस कर ये मिठाई बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको तलकर इस तरह से बनाएंगे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। ये देखिए, ब्रेड हमने सभी ब्रेड तल लिए हैं, सभी को टिश्यू पेपर पर निकाल लिया है। अब इनको ठंडे होने देंगे। ठंडी यहाँ हो चुकी है। एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम इस तरह से टुकड़े करके डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इनको पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से इनका ये पाउडर तैयार हो जाएगा दानेदार सा। अब गैस पर एक पैन रखेंगे। पैन में हम आधा कप चीनी लेंगे, इसमें हम यहाँ थोड़ा पानी डालेंगे और चीनी को यहाँ अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। ये देखिए चीनी हमारे यहाँ मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास दूध। और दूध डालकर हम इसको चला लेंगे। दूध में हम यहाँ एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। ये देखिए दूध में यहाँ उबाल आ चुका है। अब हमने जो ब्रेड पीस कर रखी थी इसको इसमें डाल देंगे। और यहाँ हम डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को डालने से इसमें खोए का टेस्ट आएगा और ये खाने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी। आप चाहे तो इनको ऐसे भी बना सकते हैं बिना मिल्क पाउडर के, तो भी ये मिठाई काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होगी। और मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसको यहाँ लगातार चलाएंगे। और तब तक चलाते रहेंगे तब तक ये पैन ना छोड़े। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा इलायची पाउडर। और इसको लगातार चलाएंगे। ये देखिए इसका यहाँ कलर भी चेंज हो चुका है और ये बैटर पैन छोड़ने लगा है, घी रिलीज करने लगा है। ये देखिए अभी हम यहाँ इसको कुछ देर और चलाएंगे। हमारी ये मिठाई एकदम मिल्क केक की तरह बनकर तैयार हुई है और खाने में भी उसी तरह का टेस्ट है। ये देखिए इधर यहाँ ये तैयार हो गई है। अब हम यहाँ एक बटर पेपर लेंगे, उस पर हम इसको यहाँ डाल लेंगे। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, चारों तरफ से हम इसको सेट कर लेंगे।
आप चाहे तो इसे किसी प्लेट में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे यहाँ बटर पेपर पर सेट किया है। इसे मिल्क केक की शेप दी है, तो हम इसको इस तरह से जब ये सेट हो जाएगा तो हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। और इस तरह से हमने चार ब्रेड से ये घर पर ही इतना अच्छा मिल्क केक बनाकर तैयार किया है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए हमारा ब्रेड का मिल्क केक बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए मैं आपको यहाँ तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये खाने में भी उतना ही अच्छा बनाया है जैसे बाजार का मिल्क केक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।